सो गाइस इतने अच्छे मूंग के कटलेट बनाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज कमेंट जरूर करिए, और आप देखिए कि कितने अच्छे बने हुए हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप सुबह सुबह बच्चों को टिफिन में नाश्ते में भी दे सकते हैं इनको, और ये बहुत ही इजी है इनको बनाना। और आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे बनते हैं मूंग के कटलेट। सो गाइस देखिए, ये देखिए, और बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम ऑयल में, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो अभी करा लेते हैं बच्चों से टेस्टिंग, तो बताते हैं बच्चे कि कैसा बना है के पैनकेक्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंग ली थी, मूंग की दाल ली थी जो कि धुली हुई मूंग की दाल है, और मैंने इसको भिगो दिया था, कम से कम 2 घंटे भिगो दिया है इस दाल को। और अभी मैं लेती हूँ जार, और जार में इसको पीस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं निकाल इसको दाल को, और गाइज इसको बैटर को है ना ज्यादा पतला नहीं करना है, आपको गाढ़ा ही रखना है। तो आप जब इसको दाल को पीसे तो उसमें थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें, और बैटर को अपने हिसाब से गाढ़ा करें। तो अभी मैं आपको दिखाई, देखिए मेरा बैटर हो गया एकदम से रेडी, और मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये देखिए बैटर को कितना गाढ़ा रखा है, और अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, उसके बाद में डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी रेड मिर्च, और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्का सा गरम मसाला, जो कि बिल्कुल ही हल्का सा डालूंगी, थोड़ा सा जीरा। और अब इन सबको कर लेती हूँ मिक्स अच्छे से। ये देखिए अब मैं इसमें डाल लेती हूँ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने लिए एक ग्रीन मिर्च, साथ में मैंने लिए बीन्स। तो गाइस इसमें आप भर भर के सब्जियां डाल सकते हो, जैसे कैरेट हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मैंने थोड़ा सा धनिया डाल लिया इसमें। आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, गार्लिक भी डाल सकते हैं, जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी शिमला मिर्च डाल ली इसके अंदर, आप कुछ भी डाल सकते हो। आप इसमें भर भर के जितने भी वेजिटेबल्स डालोगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। तो इधर आप भर भर के आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो। तो गाइस अब यहाँ देखिए मैंने कर लिया वेजिटेबल्स मिक्स सारी, बट क्या होता है कि मूंग दाल थोड़ी हैवी होती है, तो इसको हल्का करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम या तो इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, या फिर हम इसमें आपका इनो हो तो इनो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास इनो, तो मैं फटाफट डाल लेती हूँ एक इनो का पाउच। सो गाइस मैंने मंगा लिया यहाँ पे इनो, और मेरे पास था इनो तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक इनो, और मैं हल्के से हाथ से अभी इसको चला देती हूँ। ये देखिए, तो मैं इसको देखिए बहुत ही लाइट हो गया है, और देखिए फूल के ऊपर कितना डबल भी होने वाला हो गया है। सो गाइज अभी मैं इसको ज्यादा नहीं चलाऊंगी, अगर मैंने ज्यादा चलाया तो हो जाएगा ये, इसका जो ये फूला हुआ है ये बैठ जाएगा सारा। तो इधर मैंने कढ़ाई ले, कढ़ाई में डाल दिया तेल, और इसके बाद मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर बैटर। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देती हूँ,
और अभी मैं इस बैटर को मीडियम आंच पे रख रही हूँ, मेरी मीडियम है, और मैं इसको ढक के रख देती हूँ जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। सो गाइस, ये मैंने ढक दिया है, ये धीरे धीरे आराम से अच्छे से पक जाएगा, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। गाइस ऊपर डाल दो थोड़ा सा ऑयल और देखिए अभी मैं इसको पलट देती हूँ। सो गाइस, इसमें थोड़ा सा नाइफ को ऐसे ऐसे करके मार दीजिए ताकि अंदर से ये अच्छी तरीके से पक जाए, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे, और बिल्कुल मंदी फ्लेम करके, मतलब कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके ही इनको पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और टेस्टी बने क्रिस्पी। उसको थोड़ा सा और तेल डाल लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं और बैटर ऐसे ही करके। इसको भी हम ढक देते हैं और ऐसे ही पका लेते हैं जैसे पहले पकाया था। तो मैं अभी आपको धीरे धीरे सभी बना के दिखाऊंगी अच्छे से। सर, मैंने बाहर निकाल लिया है और देखिए मैं इसको पलट रही हूँ, और इधर भी थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ, ढक देती हूँ।